ममता, स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल ममता त्रिपाठी व्लॉग्स में। और मेरा यूट्यूब परिवार कैसा है, भगवान से कामना करती हूँ कि आप सब खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहें। आज है संडे और बज गए हैं शाम के 3:30। दिन भर का काम धाम, खाना पीना ये सब हो गया है। संडे वैसे ही बहुत बिजी डे होता है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, मैं, शुभी और वान्या। एक्चुअली ना मौसम काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है, इधर 2-3 दिन से बहुत हवाएं चल रही हैं और मौसम शाम के समय काफ़ी ठंडा हो जा रहा है, सुबह काफ़ी ठंडा रह रहा है। तो मुझे जाना था, पहले तो इनके पापा से बात हुई थी शुभी के कि वो चलेंगे साथ में, ले करके आएंगे, पर पता नहीं उन्होंने दोपहर में मना कर दिया, शायद कुछ काम आ गया होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम जा करके बच्चों के स्वेटर वगैरह ले आओ, और शुभी का तो है, वान्या का लेना है क्योंकि वान्या का इसी अप्रैल में स्कूल चेंज हुआ था ना, तो सरस्वती की ड्रेस लेकर के आनी है। और शुभी के पास शूज़ नहीं है, तो देख लूँगी अगर वो मिल जाएगा, और वरना शुभी का, वान्या का मुझे ले आना है स्वेटर और टोपी, है ना वान्या? तो शुभी, वान्या और हम लोग तैयार हो गए हैं, तो बस शुभी रेडी हो बेटा, तो चलिए निकलती हूँ मैं। और आप लोगों के यहाँ सर्दियाँ शुरू हुई या नहीं? वैसे तो सभी जगह शुरू हो गई हैं, कहीं थोड़ी ज़्यादा लग रही हैं, कहीं अभी कम है। हमारे यहाँ तो अभी हवा चलने की वजह से 2-3 दिन से काफ़ी मौसम ठंडा हो जा रहा है, मुझे तो काफ़ी ठंड लग रही है, और इधर थोड़ी तबीयत वगैरह नहीं सही रह रही है, तो वो तो आप लोग जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग की सवारी निकल पड़ी है मार्केट की तरफ, और ये देखिए इन लोग की लड़ाई यहाँ भी शुरू है, मतलब कहीं भी शांति से तो रह नहीं सकते ये लोग, और मतलब बहुत गुस्सा लगती है कभी कभी तो। और पता है, खैर बचपना है, ये दिन भी कभी वापस नहीं आएंगे, जो समय बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता। और ये हमारे सदर हॉस्पिटल के सामने का ये हमारा तिरंगा लहराता हुआ बहुत 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 अच्छा लगता है मुझे जब भी देखती हूँ। और ये देखिए डूबते सूरज के साथ कितना सुंदर दृश्य लग रहा है ना, ये एकदम मतलब आँखों को सुकून देने वाला। तो बस जी, हम लोग पहुँचने वाले हैं मार्केट, और चलिए देखते हैं क्या क्या लेती हूँ मैं। और शुभी वान्या को मार्केट लेके जाना भी एक बहुत टेंशन का काम होता है, क्योंकि इन लोगों पे भी ध्यान देना पड़ता है, बहुत भीड़ होती है। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है आज। ड्रेस लेने के बाद हम पहुँचे शूज की शॉप पे, और शुभी के लिए हम शूज देख रहे थे। कौन सा शूज है ना? ये कलर अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है भैया। प्राइस बता दीजिए इसका अंकल। पसंद है ना? पक्का माने अच्छा लग रहा है ना? कितने का अंकल? हम लोग घर आ गए हैं, बहुत थकान, बहुत थकान, बहुत थकान हो गई है। और मतलब इतनी भीड़ थी मार्केट में ना, हमेशा सोचो कि फ़ोन निकालना, पर सबसे ज़रूरत है बच्चों को संभालना, और आज तो इतनी भीड़ थी कि मतलब सड़क क्रॉस करने में भी दिक्कत लग रही थी। थक गए हम लोग। हाँ बहुत थक गए। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या ले आई हूँ, ये देखिए। जो मेन चीज लेनी थी उसकी, वान्या की स्कूल की, स्कूल के लिए ये स्वेटर लेना था, मेरा वाला तो रखा हुआ है, लेकिन वान्या का तो अभी इसी साल एडमिशन हुआ है। कुछ ज्यादा ही लोगों नीचे लगा दिया है ये। नहीं सही है, थोड़ा सा ऊपर लगाना चाहिए था। सही है सही है, वहीं रहता है लोगों का, मेरे पे भी ऐसा। तो हाँ ये स्वेटर हो गया, स्वेटर लिया था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरे नए शूज लिए थे, कलर कितना अच्छा लग रहा है ना। आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका शूज का कलर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं। तो ये रखो हटाओ इसको, और उसके बाद इन लोगों के लिए कुछ चाहिए था, तो इन लोगों ने ये अपने लिए ली है। किचन का छोटा मोटा सामान भी लेना था, जैसे ये लेना था स्कॉच ब्राइट, ये ले लिया मैंने। और पता है कल ये बच्चों के लिए सॉस लेकर के, वाला सॉस ना अच्छा नहीं होता, स्नैक्स सॉस जो बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। थैंक यू मेरा बच्चा, वान्या मेरे लिए लेके आई है पानी, थैंक यू वान्या। टोमेटो केचप ले आया, क्योंकि टोमेटो केचप ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, बहुत तेज प्यास लगी थी। हाँ तो ये फिर किसान का टोमेटो केचप ले आए,
और उसके बाद इन लोगों ने मार्केट निकले और स्टेशनरी ना ली जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने कलर पेपर लिए थे यहाँ पे, पिंक और बेबी पिंक और पर्पल कलर का, और ये कुछ स्टोन लिए थे मैंने। इसमें वान्या का भी है, शुभ का भी है। वान्या ने अपने वाले तो निकाल लिए, मतलब मतलब घर से बाहर निकलो तो इन लोग के लिए स्टेशनरी तो कंपलसरी है, कुछ ना कुछ इनका घटा ही रहता है। मैंने यहाँ पे ब्लू एक्रेलिक कलर लिए इसलिए क्योंकि तो मेरे शूज से मैच करे, एकदम सेम कलर है। शूज पे लगाओगी क्या? नहीं, शूज पे लगाऊंगी नहीं, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा मैचिंग है, ब्लू कलर मुझे पसंद भी है। हाँ, तो ये इतना सामान ले लिया और इतने में ही काफी टाइम हो गया। क्या टाइम हो रहा है शुभी? साढ़े पाँच हो रहा है ना। हम लोग हम लोग घर से निकले हैं 3:30 बजे और 5:30 हो गया है। कल की वीडियो की एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ, तबीयत भी थोड़ी इधर उधर थी, तो मतलब इधर उधर का मतलब कि सही नहीं लग रही थी। और अभी मैं यहीं से आपको दिखाती हूँ किचन का हाल। देखिए अभी किचन में जैसे छोड़ के, मतलब जैसे छोड़ के क्या, जैसा था जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया, फिर ये वह मार्केट चले जाओ, वरना अंधेरा हो जाता है ना, तो अंधेरे में थोड़ा सा बच्चों को लेके जाओ तो लगता है कि टाइम से घर आओ, उजाला उजाला होते होते घर आ जाओ। अगर इनके पापा साथ नहीं रहते हैं तो ऐसे तो कभी भी जा सकते हैं ये रहते हैं तो कपड़े जो, जैसे देखिए अभी सोफे पे आके वहाँ कपड़े रखे हुए हैं, उनको फोल्ड करना है। किचन वैसे ही पड़ा हुआ है। और ये देखिए देखिए भाई सब लोग, ये देखिए वान्या ने कितने अच्छे स्टोन्स लिए स्माइल के, ये देखिए स्माइली छोटे छोटे ना। अब इसका क्या होगा, वान्या हर कॉपी पे इसको चिपकाएगी, फिर यहाँ से निकालेगी वहाँ चिपकाएगी, लेकिन अभी इसको ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करती नहीं है, पर इसको ये लगता है कि दीदी ले रही है तो मुझे भी लेना है। पर कोई बात नहीं, छोटी है अभी तो लगता है कि चलो। तो ये हो गई हमारी आज की मार्केटिंग, अब देखती हूँ आगे। पहले मैं फटाफट एक कप चाय पीऊँगी। शुभी एक कप चाय पिलाओगी बेटा? तो ये देखिए मेरी साड़ी कैसी लग रही है, और पता है ऐसे मतलब ठंडक लग रही है, पर मार्केट में इतनी भीड़ थी ना कि वहाँ पे गर्मी लग रही थी, और बहुत कुछ करना है यहाँ के लिए। मुझे डालना है पर्दा, इस रॉड को सोच रही हूँ यहाँ तक बढ़ा के इसे पूरा लंबा पर्दा डाल दूँगी एक। और अभी भी मेरा पूरा किचन बिखरा हुआ है, आज गाय माता नहीं आई तो उनकी रोटी रखी हुई है। अभी ये देखिए किचन का हाल, बस सब लोगों ने खाना खाया है, सुबह नाश्ता किया था, नाश्ते में बनी थी प्याज के, सुबह नाश्ते बना था प्याज के पराठे बने थे तो सब लोगों ने वो खाए, और खाना लेट बना तो खाना 5:30 हो गया। तो चलिए मैं बना लेती हूँ पहले अपने लिए चाय, एक कप चाय पीऊँगी, मम्मी को चाय दूँगी तो थोड़ी सी फ्रेशनेस आएगी। तो देखिए दोस्तों, मैं हो गई हूँ कमर कस के तैयार अपने किचन को समेटने के लिए। और पता है अगर एक टाइम के बाद मतलब टाइम टू टाइम अगर काम नहीं हो पाता ना, तो फिर उसको काम करने में बहुत आलस लगता है, और इस समय मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन करना तो काम तो काम है, करना तो है ही उसको। तो जीवन के साथ भी यही होता है ना कि जो समय बीत जाता है उसमें जो चीज़ें हो गई रहती हैं, हम उनको चाह के भी बदल नहीं सकते। कहने का मतलब है वक्त कभी भी नहीं ठहरता है, और हम सबको वक्त के साथ चलना ही होता है, वरना वक्त हमसे आगे और हम पीछे रह जाते हैं। तो सब कोशिश कीजिए कि वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, उसके साथ दौड़ें भागें। और देखिए आपसे बातों बातों में मेरा किचन का काम भी फटाफट हो रहा है, और बच्चे खेल कूद में अपने बिजी हैं, और साथ वान्या होमवर्क करने के लिए बैठ गई थी। हाँ, तो वान्या को मैं बताती भी जा रही थी यहीं से बोल बोल के कि उसको थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है। तो बस हम सबको ना अपने जीवन में समय की बहुत कद्र करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम समय की कद्र नहीं करते हैं ना, तो समय हमें इस हमारी कोई भी कद्र नहीं रखता है, फिर समय के साथ हमारी सारी कद्र ख़त्म हो जाती है। तो अपने समय को बहुत, हमारा समय बहुत वैल्यूएबल है, और हमको बिल्कुल मतलब कोशिश करनी चाहिए कि जितना से जितना हो सके अपने समय का उपयोग कर सकें। मैंने भी बहुत लंबा टाइम ब्रेक के बाद, लेकिन मुझे जब ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा बहुत सारा समय यूं ही चला जा रहा है, तो फिर मैंने ठानी कि मुझे हाँ आगे कुछ करना है। तो हम सबको भी ऐसा ही सोचना चाहिए कि जीवन का जो ये समय बीत जा रहा है ना, इसको किसी उपयोग में लाएँ, कुछ क्रिएटिव, कुछ जो भी अच्छा लगे अपनी खुशी के लिए, औरों की खुशी के लिए।
मतलब कैसे भी इसको यूं ही बस, क्योंकि देखिए खाना खाना और सोना वो तो सभी को करना रहता है, वो तो जानवर भी कर लेते हैं कि खाना खाया, बस हम बनाते हैं कमाते हैं उसके लिए और वो नहीं करते हैं। तो उसके अलावा भी अगर हम कमाते नहीं भी हैं तो भी हमको कुछ तो ऐसा करना ही चाहिए जो थोड़ा सा मतलब जो क्या तो खुद को खुशी दे या औरों को खुशी दे, और औरों को खुशी देने से ज़्यादा बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और ये देखिए आप लोगों से बातों बातों में ही मेरा किचन का सारा काम हो गया और बस अब मैं फटाफट से धुल रही हूँ ये सारे बर्तन। बर्तनों का अंबार बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सुबह नाश्ते का मैंने धुल लिया था, उसके बाद ये सब खाने के बर्तन थे जिस कुकर वगैरह कढ़ाई वगैरह और थाली वाली जो, और साथ साथ में मैंने चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि शुभी ने चाय नहीं बनाई, वो भी बच्ची है थक गई थी, उसको भी आलस आ रहा था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं मैं खुद बना लेती हूँ। तो ये बन गई मेरी चाय, मैंने अपना अपनी चाय रख दी, उसके बाद मैंने निकाला दूध और उसी में दूध में मुझे मम्मी की चाय बनानी थी और बस पापा भी आने ही वाले थे, तो ये हुआ कि पापा की भी चाय बना ली जाए। आप लोग को बताया था ना पापा लखनऊ गए थे, तो आज वो आ रहे हैं, तो ये फिर जो है और बस फटाफट जब तक चाय बनेगी तब तक मेरे काम भी हो जाएंगे, तो कई काम एक साथ हो जाते हैं, थोड़ा सा बस स्मार्टली काम करने की ज़रूरत है। और ये देखिए मम्मी को चाय मैंने दे आई थी और अपनी चाय मैं फटाफट पी रही थी। और ये रेसिपी लीजिए जी, हाजिर है प्याज के पराठे की, तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, मैंने बनाया तो सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। ये ले लिया मैंने आटा, आटे में मैंने थोड़ा सा डाला अजवाइन, मंगरेल भी डाल सकते हैं अगर आपको उसका टेस्ट पसंद आता है, तो बच्चे मेरे नहीं खाते क्योंकि मंगरेल जब दांत में पड़ता है तो थोड़ा सा कड़वा होता है तो बच्चों को नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैं मंगरेल नहीं डालती, इसको कलौंजी भी बोलते हैं। तो ये देखिए आटे में मैंने डाला अजवाइन, थोड़ा सा तेल डाला, उसके बाद मैंने उसको खूब अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने प्याज जो है 4-5 बड़े प्याज मैंने लिए थे, उनको चॉपर में चॉप कर दिया था, अगर चॉपर नहीं भी है तो आप बारीक बारीक काट लीजिए। उसके बाद मैंने उसमें डाली हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, नमक, और हाँ आज मैंने लाल मिर्च नहीं डाली थी, मैंने कहा कि देख लेते हैं अगर टेस्ट मतलब सही नहीं वो लगेगा, अगर थोड़ा सा तीखा और कम लगेगा तो फिर लाल मिर्च डाल लेंगे। हालांकि मैंने हरी मिर्च बहुत बारीक बारीक काट के डाली थी और उसको फिर थोड़ा सा वो भी कर दिया था, जैसे मैश कर लिया था, कूट लिया था थोड़ा सा कि हो जाए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका टाइट डो बनाएंगे, बहुत मतलब बहुत मुलायम भी नहीं बनाना है, बहुत टाइट भी नहीं बनाना है। उसके बाद हल्का सा उस पर तेल लगा के मैंने उसको रख दिया था 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, तब तक मैं और बाकी के कुछ काम कर रही थी। और लीजिए जी, उसके बाद फटाफट से मैंने बनाना शुरू किया पराठा, क्योंकि सबको सुबह नाश्ते में भाई भूख लगती है, तो आप पराठा अपनी शेप के अनुसार अपनी चॉइस के अनुसार भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं पहले बना रही हूँ चौकोर पराठा, बहुत इजी है, पहले आप पूरा पराठा बेल लीजिए, उसके बाद लगा दीजिए थोड़ा थोड़ा सा घी, ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं, रिफाइंड सरसों का तेल, शुद्ध घी जो भी आप यूज़ करते हैं वो लगा दीजिए, और पराठों को ऐसे ऐसे फोल्ड कर दीजिए और ऊपर की तह पर भी थोड़ा थोड़ा सा उसमें घी या वो लगा के, और उसके बाद बस ये देखिए आ गया हमारा चौकोर शेप, और उसको बढ़िया से हम बेल लेंगे। बच्चों को ना इन सब चीज़ों को मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के दे दो तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये मैं बना रही थी अपनी वानिया के लिए, और आप फिर चाहे तो आप नॉर्मल गोल पराठे भी बना सकते हैं। तो लीजिए जी, हमारा पराठा बनके हो गया है तैयार, और इसको बस हम डाल देंगे तवे पर और मीडियम फ्लेम पे करेंगे कि तवा मतलब वो अच्छे से पक जाए, पराठा अच्छे से पक जाए। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था, और ये देखिए फटाफट आपसे बातों ही बातों में मेरे पराठे भी बन करके हो रहे हैं तैयार। तो आप सबने संडे को सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और आपको पराठे अच्छे लगते हैं, हमारे यहाँ तो पता है ठंडियों में अब बस शुरू हो जाएंगे, एक दिन सब्ज़ी एक दिन पराठा, एक दिन सब्ज़ी एक दिन पराठा, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। तो ये देखिए मेरा गोल पराठा भी तैयार। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर हाँ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट तो करना ही है तो कर देना यार, बाय बाय।